नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधौन। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि पीजी के पाठ्यक्रम में रामायण और गीता को शामिल किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीजी के पाठ्यक्रम में अब रामायण और गीता एवं महापुरुषों की जीवनी भी शामिल की जाएगी। उन्होंने खंडवा के एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में ये बात कही। खंडवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीजी क्लास के लिए भी पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जा रहा है, उम्मीद है कि वो इस साल से लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। मोहन यादव ने यह भी कहा कि हम पाठ्यक्रम में रामायण, गीता तथा महापुरुषों की जीवनियां भी शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उनका कहना था कि आगामी 12 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के युवाओं के लिए युवा नीति की घोषणा करेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 में विभाग के लगभग 4000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं, जिसमें से 2000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, बाकी के लिए भी जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। दरअसल शराबबंदी को लेकर भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। दो दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान सरकार का इसको लेकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी डंडे के दम पर नहीं, बल्कि जन जागरूकता और जन सहयोग से लागू हो सकती है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को शराबबंदी पर राजनीति करने की बजाय उन पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री की कोशिश कितनी सफल साबित होती है।